हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपोलिक ऑन बजट। तो आज मैं सबके लिए लेके आई हूँ डीमार्ट हॉल। मैं रिसेंटली गई थी ग्रोसरीज के लिए और मैंने वहाँ से कुछ किचन आइटम्स, घर के लिए कुछ सामान, और दिवाली आ रही है इसलिए थोड़ी शॉपिंग की थी, मैं वही सब शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं दिखा रही हूँ ये है मेजरिंग स्पूंस, और इसके 6 पीसेस आते हैं स्पूंस के, ये प्लास्टिक के हैं। और होम सेंटर और बाकी सारे स्टोर्स में मेजरिंग स्पूंस बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव पीसेस आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे लगे मुझे, आउट ऑफ बजट थे। और मेजरिंग स्पूंस मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभार यूज़ करती, तो मैं इतनी ह्यूज अमाउंट स्पेंड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुझे ये बहुत काफ़ी अफोर्डेबल लगा। 69 प्राइस, कभी कभार यूज़ करने के लिए ठीक है। नेक्स्ट है ये स्ट्रेनर, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे स्ट्रेनर में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिग होल्स थे उसके, ये मुझे थोड़े छोटे लगे कंपेयर टू अदर्स। और ये मुझे कुछ 79 रुपीस में पड़े, बहुत ही काफ़ी यूज है ये बाउल, तो राइस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं क्योंकि इसके होल्स जो थे स्मॉल हैं, तो राइस इससे नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि बाकी सारों में भी प्रॉब्लम होता है कि राइस सारे नीचे गिर जाते हैं ग्रेन्स उसके। और पास्ता वगैरह के भी अच्छा स्ट्रेनर है ये, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और पास्ता के लिए, तो दिस इज़ नाइस। और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्टर्डी है, तो इज़ नाइस। नेक्स्ट आइटम है ये है सेट ऑफ 4 जार्स, ये ग्लास जार्स है, छोटे हैं, स्मॉल साइज में है, और ग्लास जार्स, ग्लास की क्वालिटी अच्छी है, और ये जो लिड है ऊपर का वो प्लास्टिक में है, लेकिन प्लास्टिक का है वही अच्छा है, क्योंकि मेटल का अगर लिड होता तो उसको कैसे रस्ट पकड़ जाता है, तो मुझे वो काफ़ी फिर अगली लगता है, तो ये प्लास्टिक का अच्छा है। और मैंने ये लिया था स्पाइसेस रखने के लिए, एंड बाद में मैंने जब लिया और घर पे लेके बॉक्स खोला तब मुझे पता चला कि अच्छा ये आइकिया का कॉपी है, जो हम ऐसे साइड में भी रख सकते, एक ऐसे टिल्टेड साइड है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आपने देखा होगा आइकिया के ग्लास जार्स ऐसे सेम है। मैंने इसलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि आइकिया का, ऑब्वियसली आइका का लिड जो है वो मेटल का होगा, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा है उसे, मैंने सिर्फ थोड़े वीडियोज़ और फोटोज़ में देखा है इसलिए पता है मुझे, लेकिन अच्छे है, मुझे 99 में पड़े और कंपेयर टू प्राइस बहुत ही अच्छे है। मैं इसके और भी पीसेस लूँगी अगली बार जाऊँगी तो। नेक्स्ट आइटम जो है वो मैंने एक स्टोरेज रैक लिया है इन प्लास्टिक, ये 3 लेयर का स्टोरेज रैक है, और इसमें 2 साइजेस अवेलेबल थी, एक 149 की थी जो थोड़ी छोटी थी, और ये बिग साइज़ थी, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज़ में, थोड़ी बहुत ऊँच नीच होगी साइज़ में, और अच्छा है, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, कलर भी अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है, अगर आपको स्पेस सेविंग करनी है किचन में तो काफ़ी अच्छा है, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको घर में यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, बाथरूम में रखना है तो भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है स्पेस सेविंग के लिए। मुझे किचन काउंटर टॉप पर रखना था ये थोड़ी स्पेस सेविंग के लिए, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड होता है किचन स्पेस। प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक ठाक ही है, प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये हुक्स, प्लास्टिक हुक्स, ये मेरे हर डीमार्ट हॉल में आपको मिलेंगी, क्योंकि आई रियली लाइक दिस हुक्स, ये बहुत ही यूज़फुल है घर में, कुछ भी अगर चिपकाना हो वगैरह तो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और मैं वो स्टील के प्रेफर नहीं करती क्योंकि उसको रस्ट वस्ट पे लग जाता है। अगर आपको कोई हैवी चीज़ लगानी हो इस पे तो आप स्टील वाले ले सकते हो, लेकिन मुझे तो बस, मैं बाथरूम वगैरह में यूज़ करती हूँ ब्रूम वगैरह लगाने के लिए, ब्रश वगैरह लगाने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ ओके फॉर दैट। और 49 के आपको 3-4-5 पीसेस मिल जाते हैं, और दिवाली आ रही है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, तोरण लाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है ये। नेक्स्ट आइटम जो है वो है स्टूल, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड जोयो, और ये प्लास्टिक का स्टूल है, साइज़ में थोड़ा छोटा है, और इसमें स्टूल में 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, एक राउंड शेप में था कलरफुल, उसका ब्रांड नहीं पता मुझे, लेकिन उसकी क्वालिटी जो थी इतनी अच्छी नहीं थी कंपेयर टू दिस, इसकी बिल्ड क्वालिटी और प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है, स्टर्डी है, गिरने विरने का टेंशन बिल्कुल नहीं है, और अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा घर में, एंड या इसलिए मैंने ये ख़रीदा, ये मुझे 199 का कुछ पड़ा। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये बेडशीट, और मैं हर बार इसी ब्रांड के बेडशीट लेती हूँ, ये है डीमार्ट का रोज़ कलेक्शन, और इसका मटेरियल जो है वो माइक्रोफाइबर है, डबल बेडशीट है ये, और इसमें अभी तक मैंने 3-4 पीसेस लिए, ये जो मैं अभी यूज़ करती हूँ वो भी यही है, सेम है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्लॉथ की, मैंने अभी 2-3 साल हुए वो यूज़ करी हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऐसे ख़राब नहीं हुई है, तो इस बार मैंने ऐसा कुछ प्रिंट लिया है, फ्लोरल प्रिंट ही है, इसका कपड़ा जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, उसमें से बॉल्स वगैरह नहीं आते क्लॉथ को।
सो इस स्प्रेडशीट में दो वैरायटी अवेलेबल है, उसमें लिखा रहता है माइक्रोफाइबर, लेकिन आपको टच करके फील करना है कि कौन सी है। जो कॉटनी वाली है, कॉटन फील ऐसा आता है, वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, धोने के बाद उसको ऐसे बॉल्स आने लगते हैं। और ये जो दूसरी है जो मैं खरीदती हूँ, वो थोड़ी सी ऐसे सॉफ्ट स्मूथ फिनिश देती है टच करने के बाद, तो वो बेटर है। दोनों भी 399 के ही है, लेकिन वो धोने के बाद ख़राब हो जाती है जल्दी। नेक्स्ट है टी लाइट कैंडल का सेट, ये बड़ा साइज़ है, ये 119 का मिलता है। इसमें छोटा साइज़ भी अवेलेबल है फॉर 70 और 80 रुपीज़ समथिंग, और ये ऐसे दो लाइंस लगी होती है, बहुत सारे पीसेस रहते हैं इसमें। वैसे दिवाली में दिए ही लगाती हूँ मैं तेल के, लेकिन ये लैंटर्न्स वगैरह में काम आते हैं, जो हम बालकनी में वगैरह सजावट के लिए लगाते हैं, तो ये काफ़ी पीसेस आ जाते हैं एक पैकेट में, तो मैं यही ख़रीदती हूँ। नेक्स्ट आर दिस सिस्का LED बल्ब्स, ये एक पे एक फ्री रहता है हमेशा दिवाली के टाइम पे, बाकी का मुझे पता नहीं बाकी टाइम रहता है कि नहीं, लेकिन दिवाली में ये ज़रूर रहता है। इस बार मुझे सिर्फ वाइट से दिखे, जो ऑरेंज और येलो जो बल्ब्स रहते हैं इसमें, वो बहुत काफ़ी नीचे थे और ऊपर सारे वाइट्स थे, तो मैं वो ले नहीं पाई। पिछले टाइम भी मैं बहुत सारे लेके आई थी, वो भी अभी तक चल रहे। इसमें 1 ईयर की वारंटी भी रहती है, तो 50 रुपीज़ में मिलते, बाय वन गेट वन फ्री रहता है, तो 50 रुपीज़ में दो काफ़ी अच्छे 25 का एक पड़ता है, और एक साल से ऊपर चलते हैं, अभी तक मेरे पिछले टाइम के भी बचे हैं, इसलिए मैं सिर्फ दो ही लेके आई इस बार। दिवाली आ रही है तो लाइट्स तो बिल्कुल लगेंगे, इसलिए मैंने लाइट्स भी खरीदी इस बार। लाइट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये छोटे में 99 में थे मिले मुझे, और ये जो बड़े लाइट्स है वो मुझे 119 के कुछ मिले, और बहुत सारे ऑप्शंस कलर्स अवेलेबल थे, और दूसरी वो फ्लावर वाले लाइटिंग थे, वो मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे, और इसकी वारंटी वगैरह तो कुछ नहीं होती, ये प्राइस में क्या ही वारंटी मिलेगी। और या इसमें ये जो छोटा 99 के है, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ब्लू थे, ग्रीन थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये दो उठा लिए। 9 वाला है, मुझे लगा था कि ये मल्टी कलर होंगे, लेकिन जब मैंने चेक किया तब पता चला कि इसमें सिर्फ वाइट ही जलेगी, और बाकी सारे ऑप्शंस थे, मतलब ब्लू कलर था तो ब्लू लगेगी, ग्रीन लगेगी, तो बाद में मैंने रिग्रेट किया कि मैं कुछ और कलर का लेके आती, लेकिन ठीक है, ये जो कुछ ऐसा दिखता है बड़ी वाली लाइट्स मल्टी कलर, और ये वाइट ही है सिर्फ, लेकिन ठीक है 99 में, आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, डोंट वरी, ये लूज है इसका स्विच, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आइटम है, ये है तोरण, तो ये मैंने दिवाली के लिए लिया है। इसमें तोरण में इतने सारे ऑप्शन थे, वो जो डोर हैंगिंग होता है वैसा था, और पर्ल्स में था, वुलन में था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, लेकिन काफ़ी पीसेस डैमेज भी थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सिंपल एंड सोबर। ये जैसा अपना तोरण होता है ना, मैंगो लीव्स और इसका ट्रेडिशनल जो नॉर्मल तोरण होता है, वैसे पैटर्न में है, और बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी किया है क्लॉथ इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ये ऐसे लीव्स का शेप बना है, कुछ फ्लावर्स है, और शुभ लाभ लिखा है, स्वास्तिक है, बीच में वेलकम है, और साइड में से नीचे गणपति भी बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब जो प्राइस में मुझे मिला, ये कुछ 50 रुपीज़ में मिला है, और बाकी के भी थे पर्ल्स वगैरह वाले, वो भी अच्छे थे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सिंपल प्रिटी एंड डिसेंट, डोर पे जब हैंग करेंगे तो बहुत ही प्रिटी लगेगा, अच्छा लगेगा। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी भी है वो काफ़ी नीट है, ऐसी कहीं से उखड़ी हुई वगैरह नहीं है, थ्रेड्स वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन है इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। लास्ट आइटम जो हॉल का है वो है ये लैंटर्न्स, ये सेट ऑफ 3 में मिला मुझे, सिंगल पीस आई थिंक नहीं अवेलेबल था, सेट ऑफ 3 ही थे, ये मुझे 299 में पड़े, सॉरी, और काफ़ी अच्छे हैं, मैंने दो बॉक्स खरीदे इसके। एक दूसरा भी अवेलेबल था, लेकिन वो सिर्फ एक ही सिंगल पीस था, और उसमें कुछ लेबलिंग नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला, लेकिन वो भी अच्छा था। ये कैसे ग्लास है, उसको ऐसे मेटल का ही कवरिंग था पूरा, और अगर उसमें हम टी लाइट रख के ऐसे घर में रखते ना, तो उसका पूरा प्रिंट ऐसे दीवार पर आ जाता, बहुत ही प्रिटी था वो, मुझे नहीं मिला वो। अगर आपको कहीं मिलता अपने डिमांड में तो आप ज़रूर खरीदेगा, वो बहुत ही अच्छा था। और ये ऐसा कुछ है, ग्लास है और बाकी का पूरा मेटल है, बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और ये प्राइस में आई डोंट थिंक सो आपको ऑनलाइन वगैरह कहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट दिस इज़ मेड इन इंडिया, क्योंकि मैं जब डीमार्ट में खरीद रही थी ना सामान, तो दो अंकल पीछे बात कर रहे थे कि ये तो चाइना का माल है ऐसा वैसा, लेकिन मैंने फिर बॉक्स में पढ़ा, तो मैंने पढ़ा कि दिस इज़ मेड इन इंडिया, तो मैंने फ़ौरन उठा लिया, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस परचेस। और ये कुछ ऐसे दिखता है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है।
हम इससे बालकनी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अपने आपको घर के बाहर डोर के यहाँ पे लगाना है, हैंग करना है तो भी अच्छा लगेगा ये एंट्रेंस पे। सो या यही था मेरा डीमार्ट हॉल, इतना ही मैंने ख़रीदा था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।